इट्स अ ह्यूमन ट्रेजेडी, ये एक इंसानी अलमिया हुआ है। और जो ही पुलिस को ये रिपोर्ट हुआ 29 जून को कि दोहा की जो मौत है उस बच्ची के वाले साहब हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया पुलिस को, तो वो गैर फितरी तौर पे हुई है। और उन्होंने कहा कि मुझे शक है मेरी बेटी पे तशद्दुद किया गया है, जहर दिया गया है। तो उसी वक्त से ही हमने कानून में ये है कि जब पुलिस को ये शक हो कि जो किसी भी शख्स की मौत है दैट इज एन अननेचुरल डेथ, यानी वो नेचुरल डेथ नहीं है, लेकिन जो कॉज ऑफ डेथ, जो मौत की वजह है, वो भी मालूम ना हो, तो उसके लिए हम 174 की इंक्वायरी शुरू करें। CRPC 174 की हमने इंक्वायरी शुरू की। और जो इनिशियल एक्सटर्नल पोस्टमार्टम था मकदूदा का, ज़ोहा बीबी का, उस पे तशद्दुद के निशानात नहीं थे। तो अगर इनिशियली जो एक्सटर्नल पोस्टमार्टम था उस रिपोर्ट में ये चीज़ आ जाती कि मौत तशद्दुद से हुई है, तो डेफिनेटली हम उसी वक्त मुलजमान को पे FIR करके उनको अरेस्ट करते। फिर हमने जो डॉक्टर्स ने तफ्तीशी अफसरान की दरख्वास्त पर जो बॉडी के लीवर, किडनी और स्टोमक के जो सैंपल्स हैं वो हमने KMC मरदान भिजवाए लेबॉरेटरी, क्योंकि मरदान में है, स्वाबी में नहीं है। एंड इट टेक्स टाइम, थोड़ा सा टाइम इस पर लगता है, केमिकल एग्जामिनेशन होता है बॉडी पार्ट्स का। तो उस रिपोर्ट की रोशनी में ये चीज़ साबित हुई कि ज़ोहा बीबी की मौत पॉइजन से हुई, आर्सेनिक से हुई है, जहर से हुई है। तो जिन लोगों को ज़ोहा के वालिद साहब ने, मकतूला के वालिद ने नॉमिनेट किया था, 3 अफराद को, उनमें से एक औरत है और 2 मर्द हैं, हमने उनको गिरफ्तार किया है। मकतूला ज़ोहा वालिद मां उस अपोरे उन सराद खेर असर प्लस वाला DSP से चो इसको से चो रेजे से चो से वो SP से वो रेमुला कोर्ट तरागली तपशीश बारे की उमा आदरे केस बारे की उमा नंदी पो से उमरा उठे छ सक किस्म तकलीफ इधर था सक किस्म मुश्किलात की मुतवाई ये टोल ल रखपल पर नंबर पे कागज माने लिखे उमरा के जिस राजी शपियो हमन द पुलिस ता खमत होइनु हमन सरख ताउन के यो वो इंशाल्लाह आइंदा बत यू उम्मीद लरु अजो मन दा उम्मीद न रे ते ता सुमारा टोल कले पांसी के यो माल सिर्फ जी सिर्फ दगा दो दरी मुलजमान के कम पे मेन किरदार दे सिर्फ आगा उनी सही और दगा द पांसा तख्ती तो उन सही दगा जमीन पर हर सार सही।